हाय गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सोलेनोइड और टोरॉइड। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सोलेनोइड क्या डिवाइस होती है। देखो, अगर आप एक वायर को बहुत सारे टर्न्स में लपेट दोगे, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, जैसे कि एक हेलिक्स होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सोलेनोइड। अब इस सोलेनोइड के थ्रू करंट पास होता है, तो इस सोलेनोइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जो कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है, जैसे कि हमारे टेलीविजन या लैपटॉप्स, ठीक है। तो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है किसी पोजिशन पे, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम पहले तो सबसे पहले कुछ अजम्पशंस लेते हैं, ठीक है। ये हम अज्यूम करते हैं कि ये जो सोलेनोइड की लेंथ है वो इसके रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है। ये जो लेंथ है, मान लो L, वो इसके रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ी है। इससे क्या फायदा होता है दोस्तों? इससे ये फायदा होता है कि अगर आप कोई मिडिल में कोई पॉइंट लोगे, ठीक है, तो वहां पे ना हमारा जो करंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है करंट की वजह से, वो यूनिफॉर्म और पैरेलल हो जाता है, ठीक है। होता क्या है कि अगर लेंथ बहुत बड़ी ना होती रेडियस से, तो कोई पॉइंट पे एज की वजह से, सोलेनोइड की एजेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा चेंज हो सकता था, ठीक है। फिर हमारी वो सिमेट्री के जो अजम्पशन हम लेते, वो हम नहीं ले पाते। इसलिए हमने ये अज्यूम कर लिया कि लेंथ बहुत बड़ी है रेडियस से, और एज इफेक्ट्स जो हैं वो नहीं लगेंगे इस सोलेनोइड पे, ठीक है। और अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा और पैरेलल होगा टू ईच अदर, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज भी और डायरेक्शन वाइज भी सेम रहेगा पूरे सोलेनोइड के अंदर। ये आप याद रखना, ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाइज पूरे सोलेनोइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा, ठीक है। एक तो ये बात, दूसरा हमारा जो टर्न्स हैं वो बहुत क्लोज हैं। ये जो दो टर्न्स के बीच में डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल आप समझो, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि ये जो टर्न है वो एक सर्कुलर टर्न है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट हम कर लेंगे कि ये एक सर्कल है, ठीक है। उससे हमारी कैलकुलेशंस और आसान हो जाती हैं और हम सिमेट्री यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये बात, दूसरा तीसरा हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारे जो टर्न्स पर यूनिट लेंथ है वो एक वेरिएबल है एन। इसकी इस वेरिएबल की वैल्यू हमें ऑब्वियसली पता होगी, ठीक है। मान लो ये लेंथ एल है इस सोलेनोइड की, और हमें पता है कि टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे? एन टाइम्स एल, ठीक है। एन मल्टीप्लाइड बाय एल आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ये आप याद रखना, ठीक है। एक तो ये चीज, और फिर चौथा आप अज्यूम करते हो कि इस सोलेनोइड के थ्रू करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। आपने ये अज्यूम कर लिया करंट आई फ्लो कर रहा है, और इन दोनों के बीच में कोई भी दो सर्कुलर टर्न्स के बीच में इंसुलेशन लगा हुआ है, तो करंट एक दूसरे वायर से दूसरे वायर में सिर्फ एक ही रास्ते से जा पा रहा है, ठीक है। ये हमारे चार अजम्पशन हो गए, ठीक है। अब एक बार ये देख लेते हैं कि इस सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अंदर तो यूनिफॉर्म है मैग्नीट्यूड वाइज भी डायरेक्शन वाइज भी, ठीक है। बाहर जाता है तो ऐसे टर्न कर जाता है मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर, ठीक है। और इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे? वो बड़ा आसान है, आप राइट हैंड स्क्रू रूल से ही निकाल सकते हो डायरेक्शन। तो मान लो कि ये सोलेनोइड जो है वो बोर्ड के बाहर आके अंदर को जा रहा है ऐसे, ठीक है, और इसमें करंट भी ऐसे ही फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपना राइट हैंड लूंगा, अपनी जो फिंगर्स हैं वो करंट के डायरेक्शन में रोल करूंगा, मेरा जो थंब है वो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा इनसाइड द सोलेनोइड, ठीक है। तो यहां तो ये ऐसा हो गया, और बाहर टर्न करके ये जाएगा, ठीक है। एक ये हो गया, लेकिन ये देखो, एट पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द सोलेनोइड, मतलब जो पॉइंट्स सोलेनोइड के बहुत क्लोज हैं लेकिन सोलेनोइड के बाहर हैं, ठीक है, उनमें थोड़े एज इफेक्ट्स लगते हैं। ये वाले मतलब एज इफेक्ट, ये एजेस की वजह से नहीं, ये वायर की एजेस की वजह से, ठीक है। अब ये देखो, इस वायर की वजह से इसके अपने आसपास तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इस वायर की वजह से अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। अब मान लो कि ये जो वायर है वो बाहर को आ रहा है, ठीक है, जैसे बोर्ड के बाहर को आ रहा था, तो हमारा ये डायरेक्शन हो गया करंट का,
ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, मान लो जैसे डायरेक्शन में ये, ठीक है, वेरी क्लोज टू द वायर, क्योंकि बाहर बाहर जाओगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द वायर की वजह से, ठीक है। मान लो आप, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, ठीक है, ये वायर जो है ये भी सेम डायरेक्शन में सेम ही करंट लेके जा रहा है, ठीक है, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर हो गया। लेकिन आप इस पॉइंट पे देखोगे ना, और इस पॉइंट पे देखोगे कि ये दोनों बहुत क्लोज पॉइंट्स हैं और एक दूसरे को ये मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आप समझो कि हमारे जो ये दो वायर हैं इनकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे और वो इस पॉइंट पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी इन पॉइंट्स पे जो कि बहुत क्लोज हैं हमारे सोलेनोइड के, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड या तो बहुत वीक होगा या फिर जीरो होगा, ठीक है। इतना डिटेल में जाने की बात नहीं है, आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, मेरी ड्राइंग की स्किल्स थोड़ी खराब है, तो आप ये देख लो कि इन पॉइंट्स पे बस इतना जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड या तो बहुत वीक होगा या तो जीरो होगा, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। अब हमें बात आती है, निकालना है मैग्नेटिक फील्ड विद इन द सोलेनोइड, ठीक है, क्या करेंगे, एम्पेयर्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। एम्पेयर्स लॉ लगाओगे लेकिन उसके लिए एम्पेरियन लूप चुनना है, ठीक है। आप ऐसा लूप चुनो, ठीक है, ये आपका सोलेनोइड हो गया और आपने ये रेक्टेंगुलर लूप चूज कर लिया, ठीक है ना। अब ये रेक्टेंगुलर लूप कैसा है, ये इन द प्लेन ऑफ द व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, और इस लूप के थ्रू, मतलब ये लूप है, अगर आपका ये लूप होता तो इस लूप के थ्रू इधर और फिर इधर से वायर आपका सोलेनोइड जा रहा है, ठीक है, ऐसे विजुअलाइज करना है, ठीक है। तो और ये जो लूप के ये वाला पोर्शन है ये पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, ये अज्यूम करना है। और इस लूप के, इस एम्पेरियन लूप के थ्रू बहुत सारे वायर्स पास कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा हमारा लूप का कंस्ट्रक्शन है। मान लो कि इस लूप की लेंथ एल पकड़ी है हमने, ठीक है ना, लेंथ, और इसकी हाइट मान लो एच कंसिडर की है, ठीक है। तो अब हम एम्पेयर्स लॉ कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आते हैं। देखो एम्पेयर्स लॉ का क्या होता है, क्लोज लूप का बी डॉट डीएल करना होता है ना। इंटीग्रेशन क्या होता है, सम ऑफ सम होता है पार्ट्स का, मतलब छोटे छोटे डीएल पार्ट्स लेते हैं और उनको ऐड करते हैं, ठीक है ना। हम इसको बिना इंटीग्रेशन के सम भी कर सकते हैं, मतलब इस पार्ट से इस पार्ट के लिए बी डॉट डीएल निकाल लिया, इस पार्ट से इस पार्ट के लिए बी डॉट डीएल निकाल लिया, इस पार्ट से इस पार्ट के लिए बी डीएल निकाल लिया, और इस पार्ट से इस पार्ट के लिए बी डीएल निकाल दिया, तो हमारे पास चार टर्म्स आ जाएंगी, ठीक है, बी डीएल की। उसको हम इक्वेट कर देंगे न्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप, ठीक है, ये करना है हमें। तो सबसे पहले इस पार्ट के लिए देखते हैं, इसकी लेंथ है एल और इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर लेंगे बी, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है जिसकी वैल्यू, ठीक है, तो वो हो गया बी टाइम्स एल, ठीक है। अब इस पार्ट से इस पार्ट पे आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, लूप का डायरेक्शन है ऊपर, दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्रीज, तो बी डॉट एल यानी बी एल कॉस ऑफ 90 कितना होता है, कॉस 90 जीरो होने की वजह से वो आ गया जीरो, ठीक है। अब इस पार्ट से इस पार्ट में जाते हैं, ठीक है, इसकी लेंथ तो है एल क्योंकि रेक्टेंगुलर है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना है, देखो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि ये पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, जस्ट आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड या तो बहुत वीक होगा या तो बहुत जीरो होगा। अब आप ये सोच लो कि ये ना डायग्राम में मैंने मैग्निफाइड इमेज दिखाई है आपको, दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू द सोलेनोइड, ठीक है, ये डायग्राम में अगर मैं इसको आपके बहुत क्लोज बनाता ना तो आपको समझ नहीं आता, इसलिए मैंने थोड़ा दूर बनाया है, वरना एम्पेरियन लूप आपको बहुत क्लोज चूज करना है सोलेनोइड के, ठीक है। तो ये पॉइंट्स पे, ये पूरी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड आपका जीरो है,
ठीक है, तो आपका जो बी डॉट डी एल है फॉर दिस लाइन वो भी जीरो हो गया क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया, जीरो इंटू एल जीरो। ठीक है, अब वापस आप इस लाइन पे आ जाओ, अब इस लाइन पे फिर से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, डी एल इस डायरेक्शन में है, एंगल 90 डिग्री है, तो वो फिर से जीरो हो गया। ठीक है, तो बी डॉट एल प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप। अब करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप कैसे निकालोगे दोस्तों? देखो ये हमारा लूप था, ठीक है, ये हमारा लूप था, इसमें से ढेर सारे सोलेनाइड के बहुत सारे टर्न्स जो हैं वो इस लूप के थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि वो कितने टर्न्स पास कर रहे हैं इस लूप के थ्रू? हमें पता है टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन है, ठीक है, उसको हम अगर लूप की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएगा। ठीक है, अब वो हर एक टर्न करंट आई कैरी कर रहा है क्योंकि वो टर्न में करंट थोड़ी चेंज हुआ, अब हर एक टर्न आई करंट कैरी कर रहा है और हमारे नंबर ऑफ टर्न्स एन टाइम्स एल है, तो हमारा टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप कितना हो गया? एन टाइम्स एल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय करंट आई। ठीक है, तो न्यू नॉट एन एल आई। ठीक है, अब हमें बी की वैल्यू निकालनी है, हमने ये एल और ये एल काट दिया, तो हमारे पास आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनोइड इज न्यू नॉट टाइम्स एन टाइम्स आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब देखते हैं टोरॉइड। सबसे पहले तो ये समझो टोरॉइड होता क्या है। सोलेनोइड को अगर आप लपेट के सर्कल बना दोगे तो उसी चीज को टोरॉइड कहते हैं, ठीक है ना। इस डायग्राम में ये देखो कि एक सोलेनोइड को हमने लपेट के सर्कुलर बना दिया, अब इसमें ये जो टर्न्स हैं, ठीक है, इसमें करंट बाहर को आ रहा है फिर अंदर को जा रहा है, ठीक है ना। ये डॉट जो है वो सिग्निफाई कर रहा है कि करंट बाहर को है, और फिर ये क्रॉस जो है वो सिग्निफाई कर रहा है कि करंट जो है वो अंदर को जा रहा है। ठीक है, सोलेनोइड को आप लपेट के सर्कुलर बना दो तो आपका आ जाता है टोरॉइड। ठीक है, तो यहां पे एक अजम्पशन हमने अलग लिया है, यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नहीं लिया है, यहां सीधे सीधे हमने नंबर ऑफ टर्न्स अज्यूम कर लिए हैं कि ये पूरे सर्कल में जितने टर्न्स हैं ये वो एन है। ठीक है, और इस टोरॉइड का जो रेडियस है, मतलब ये जो है वो बहुत छोटा है, तो रेडियस के मुकाबले नेग्लिजिबल मान लो इसकी विड्थ, इसका जो रेडियस है वो आर है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया है कि रेडियस टोरॉइड के सर्कल का आर है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है इसका मैग्नेटिक फील्ड तीन अलग अलग जगह पे। ठीक है, एक तो ये होगा एकदम एक्सटर्नल पॉइंट्स के लिए, ठीक है, इसको मानते हैं लूप नंबर वन। ठीक है, एक इंटरनल लूप मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड, इसको कह लो टू, और फिर एक यहां मान लो, ठीक है, इसको कह लो लूप नंबर थ्री, कि टोरॉइड के दोनों एंड्स के अंदर का पोर्शन। ठीक है, ये तीन लूप्स के लिए हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले तो वन पे आते हैं। ठीक है, देखो वन के लिए आप ये कर सकते हो, बी डॉट एल इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स करंट फ्लोइंग थ्रू द लूप, ठीक है ना। मैं आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूं कि इस पे कॉन्सेंट्रेट करो कि ये जो वन वाला एम्पेरियन लूप है, नंबर वन एम्पेरियन लूप, इसके थ्रू करंट पासिंग जो होगा ना वो जीरो होगा। ठीक है, अब ये सोच के देखो कैसे। इस लूप के अंदर ये टर्न देखो, सिर्फ एक इकलौता ये टर्न देखो, ठीक है ना, ये जो टर्न है उसके बाहर आ रहा है पहले करंट, फिर यही करंट क्रॉस की तरफ अंदर जा रहा है। ठीक है ना, पहले बाहर आया फिर अंदर चला गया, ठीक है ना। तो आई करंट, आई एम्पेरियन लूप के लिए इस टर्न के लिए, ठीक है ना, फर्स्ट एम्पेरियन लूप के लिए इस टर्न के लिए पहले करंट, आई करंट बाहर आया फिर वही करंट अंदर चला गया, तो नेट करंट कितना रहा? जीरो, है ना। तो वैसे ही हर लूप के लिए पहले करंट बाहर को आया फिर अंदर को चला गया, तो फर्स्ट एम्पेरियन लूप के लिए नेट करंट पासिंग थ्रू हो जाता है जीरो,
ठीक है, जब नेट करंट पासिंग थ्रू जीरो हो गया तो यानी कि म्यू नॉट आई जो है वो टोटल जीरो हो गया, म्यू नॉट आई जीरो हो गया, पर लेंथ तो जीरो नहीं है ना, इस लूप की कुछ ना कुछ लेंथ है, तो ये नॉन जीरो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो ही जीरो होगा, है ना। तो फर्स्ट एम्पेरियन लूप के लिए यानी कि फॉर एनी एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ टोरॉइड, जो कोई भी पॉइंट है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया हमारे पास। अब हम तीसरा वाला देखते हैं, ठीक है, सेकंड बाद में देखेंगे। तीसरे वाले में करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप कितना है, करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप ही जीरो है, इसमें नेट करंट की भी बात नहीं आती, इसके थ्रू तो कोई करंट पास ही नहीं कर रहा, टोराइड पूरा का पूरा इस लूप के बाहर है, ठीक है ना। तो नेट करंट की भी बात नहीं आती कि एक बाहर जा रहा है एक अंदर आ रहा है, यहां तो करंट फ्लो ही नहीं कर रहा, यानी कि आई जीरो है, उसी नाते मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। तो इन द इनर पोर्शन ऑफ द टोराइड वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है ना, ना इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ना इधर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब टोरॉइड के अंदर की बात आती है, ठीक है ना, इस पोर्शन की। अब इस पोर्शन के लूप में आप ये देखोगे सिर्फ जो ये अंदर को जाने वाला करंट है ना वही पास कर रहा है इस लूप के अंदर से, ये जो बाहर आने वाला करंट है ये जो डॉट से मैं रिप्रेजेंट कर रखा है वो इस लूप के बाहर है, उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। इस लूप के अंदर जा रहा है सारे सारे टर्न्स के लिए जो करंट है वो सिर्फ अंदर वाला ही करंट है इस लूप के अंदर, बाकी ये जो बाहर आने वाला करंट है वो मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखो, जैसे कि हमने सोलेनोइड में डिस्कस किया था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म होता है, वैसे ही टोरॉइड के लिए भी यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द लूप इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द लूप, है ना। तो पहले बात तो ये सोचो ये लेंथ कितनी है। अब देखो हमने लेंथ के लिए रेडियस अज्यूम किया है आर, तो एक सर्कल का अगर रेडियस आर है और ये हम अज्यूम कर चुके हैं कि ये जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल मान रहे हैं एज कंपेयर टू द रेडियस, ठीक है। अगर मैं ये कह रहा हूं किसी सर्कल का रेडियस आर है तो उसका सर्कमफ्रेंस का लेंथ कितना होगा, 2πr हो जाएगा, तो ये लेंथ की जगह हम 2πr लिख देते हैं, ठीक है। अब बताओ मुझे करंट पासिंग थ्रू द लूप कितना होगा, देखो एक टर्न के लिए तो आई करंट अंदर घुस रहा है, हमारे टोटल टर्न है एन, ठीक है, तो टोटल करंट पासिंग थ्रू द लूप हो जाएगा एन टाइम्स आई, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया न्यू नॉट एन बाय 2πr आई, ये आ गया। ये रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको नंबर ऑफ टर्न्स दिए हो डायरेक्टली, लेकिन आप ये देखो इस वाली पोर्शन को, n बाय 2πr क्या है बेसिकली, n है नंबर ऑफ टर्न्स, 2πr है लेंथ, लेंथ ऑफ द टोरॉइड, है ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं लेंथ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। तो जैसे हमने सोलेनोइड के लिए अज्यूम किया था कि टर्न्स पर यूनिट लेंथ एन होता है, इसको भी हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं न्यू नॉट एन टाइम्स आई, वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि सिमिलर रिजल्ट आ गया हमारे पास सोलेनोइड जैसा, ठीक है। टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका भी वैल्यू होती है न्यू नॉट टाइम्स टर्न्स पर यूनिट लेंथ टाइम्स करंट, ठीक है।